जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज एनटीटी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। पार्टी दफ्तर में घुसे अभ्यर्थियों को बाहर निकालने में पुलिस को जोर आजमाइश करनी पड़ी। इस दौरान महिलाओं ने बदसलूकी का आरोप भी लगाया। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करने वाले ये अभ्यर्थी सरकार से नौकरियों में तवज्जो देने और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रदेश सरकार लंबे समय से अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर रही है। इससे खफा ये अभ्यर्थी आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय पहुंचे और अंदर प्रवेश कर गए। सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने उन्हें समझाकर बाहर निकालने को कहा, लेकिन अभ्यर्थी नारेबाजी के साथ वहीं डटे रहे। इसके चलते पुलिस ने जबरन उन्हें भाजपा मुख्यालय से बाहर निकाल दिया। इस मशक्कत में कुछ लोगों को चोट आई, जिसमें महिलाएं अभ्यर्थियों के साथ आया एक बच्चा भी शामिल था। महिलाओं का यह भी आरोप था कि उनके साथ बदसलूकी करते हुए कपड़े तक फाड़ दिए गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी एनटीटी डिप्लोमाधारी आंदोलन का रास्ता अपना चुके हैं। अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उग्र रूप धारण किया है।